हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, रेलवे का एएलपी एप्लीकेशन की फॉर्म की लगभग लास्ट डेट आने वाली है। आप सभी को पता है 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तो वहीं पर जो है सर्वर पर काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और बात करें तो कैंडिडेट्स को एएलपी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने में बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। आखिर बात क्या है, तो प्लीज़ चेक द अंडरटेकिंग बॉक्स बिफोर सबमिटिंग, ये बता रहा है कैंडिडेट्स को। तो दोस्तों, ऐसा क्यों बता रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, या फिर हम बात करें तो सिर्फ मोबाइल से ही फॉर्म भरने में ऐसा बता रहा है या लैपटॉप और पीसी पर भी बता रहा है, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले, ऑफिशियली अपडेट आपको बताएंगे। लास्ट टाइम का सर्वर का जो है अच्छा खासा यहाँ पर रस देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड के पल पल के अपडेट्स के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इसलिए दबाने का बोल रहा हूँ क्योंकि रेलवे से रिलेटेड पल पल अपडेट हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बना करके आपको बताया था कि जो आपको डिटेल भरने पर भी क्रिएट अकाउंट नहीं हो रहा था, आपको जो है प्लीज़ चेक द अंडरटेकिंग बॉक्स बता रहा था बिफोर सबमिटिंग। तो ये क्यों बता रहा था, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसा इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ पर आप यदि मोबाइल से फॉर्म भरते हो, ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाई गई थी कि यदि आप मोबाइल से फॉर्म भरते हो तो आपका जो है यहाँ पर फॉर्म नहीं भरा पाएगा क्योंकि इनका जो है वेबसाइट वो मोबाइल वर्जन से जो है अपडेट नहीं है, मतलब कि उससे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए जो है मोबाइल से फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। तो चलिए दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग आज लास्ट टाइम पर भी हमने जो है अपने आरआरबी मतलब रिलेटेड आरआरबी की जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उससे रिलेटेड हमने बात की है, तो इससे रिलेटेड आपको सुनाते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के सहायता केंद्र में का स्वागत है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैम, एक्चुअली ये अभी हम मोबाइल से एएलपी का फॉर्म भर रहे हैं लेकिन मोबाइल में थोड़ा कोई इश्यू आ रहा है, मतलब वो प्लीज़ चेक द वो अंडरटेकिंग बॉक्स वगैरह कुछ बता रहा है इस टाइप से मैसेज। सारी डिटेल्स जानने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते जब। जी जी, माफ़ी चाहूँगी आपको जो भी असुविधा हुआ सर, बताना चाहूँगी अगर आप फ़ोन से अपना फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उससे वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं हो पाएगा। ओके, हो सकता है आपका फोन हमारी वेबसाइट को सपोर्ट ना कर रहा हो, ठीक है? नहीं मैम, अगर सपोर्ट नहीं करता तो फिर वेबसाइट ओपन भी नहीं होती ना सर। पर लेकिन अभी आप आधा फॉर्म भर भी लेंगे फिर आगे जाके आपको शायद पेमेंट करने कोई इशू आ जाए या फिर अदरवाइज और इंफॉर्मेशन फिल करने में आपको इशू आ सकता है, ठीक है? तो अच्छा, अगर आप लैपटॉप या किसी टॉप से फॉर्म फिल करें। हाँ जी सर, मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर से ही भरे तो बेटर होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बेहतर होगा अगर आप किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप से फॉर्म को फिल करेंगे सर। यस मैम, क्योंकि मैम बहुत सी जगह क्या है कि कहीं पर सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते हैं और कुछ लोग गांव में भी रहते हैं तो वहाँ सिस्टम्स वगैरह नहीं होते, तो मोबाइल एक जरिया होता है क्योंकि। तो आपने कुछ डिजाइन इस टाइप से करना था कि आपका मतलब वेबसाइट प्रॉपर तरीके से मोबाइल में भी एक्सेस हो सके। हाँ जी सर, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, किसी माफ़ी चाहूँगी, बट आप किसी सीएससी सेंटर से जाकर भी अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, यस मैम, ठीक है, मतलब मोबाइल से नहीं भरे, मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप से ही उसको ट्राई किया जाए। हाँ जी, क्या? तो दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कॉल रिकॉर्डिंग में कि यहाँ पर जो है क्लियरली उन्होंने बोला है कि जो मोबाइल से यदि फॉर्म भरते हो तो यहाँ पर जो है आपको किसी भी स्टेप में आपको जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, या तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे या फिर पेमेंट फेल्यूअर वगैरह में भी देखने को मिल सकता है। तो उन्होंने ये क्लियरली एक बार फिर से बोल दिया है कि आप मोबाइल से फॉर्म नहीं भरते हुए पीसी या फिर लैपटॉप से अपना फॉर्म भरे जो है, और उसी के बाद बात करें यहाँ तक कि हमने उनको क्लियरली ये भी बोला है कि आपको कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो विलेज वगैरह आउटसाइड से जो है बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में उनके पास जो है मोबाइल के अलावा अन्य जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर साधन वगैरह जो है अवेलेबल नहीं रहते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम आपको जो है फेस करनी पड़ रही है। हम बोल सकते हैं कि कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो इस तरह से आपको वेबसाइट को डिज़ाइन करना था जिससे कि मोबाइल से भी जो है कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया वेबसाइट की जो कि मोबाइल वर्जन से जो है रिलेट नहीं कर पा रहा है, कनेक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि लास्ट टाइम और ज़्यादा सर्वर क्रैश करे, इसलिए जो है आप प्लीज़ जल्द से जल्द मोबाइल को छोड़ करके जल्द से जल्द जो है पीसी या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर से अपना जो है फॉर्म भरने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।